BATT 2011 सात साल से संघर्षरत अभ्यर्थियों ने 5 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में धरने का आयोजन किया। धरने का उद्देश्य था जब तक नियुक्ति पत्र नहीं तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। आप सभी के मन में अभी तक ये प्रश्न लगातार गूंज रहा है कि आखिर 5 सितंबर का जो धरना था वो असफल क्यों हो गया, क्या ये असफल था? अगर असफल हुआ तो इसके पीछे कौन था और क्या कारण थे कि जो धरना लगातार नियुक्ति न मिलने तक चलना था वो महज कुछ ही घंटों में ख़त्म हो गया, लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद भी तो धरना जारी रखा जा सकता था। क्या हमारे जो इसके अग्रणी नेता थे वो डर गए थे या कोई और बात थी? ये मन में सभी के प्रश्न तब से चल रहा है और आज तक जो है लोग इसको अपनी अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस धरने में BATT को बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन धरना अचानक रोक करके सबको घर जाने के लिए बोल दिया गया। सभी के मन में ये सवाल आज तक उठ रहा है कि आखिर जो लगातार धरना चलना था वो अचानक से क्यों बंद कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, लगभग 11 बजे का ये वीडियो है, इसे आप देखिए कि इसमें कितने सारे लोग आए हैं। उस समय तक इतने ही लोग आए थे जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद लोग धीरे धीरे हालांकि आ रहे थे। इसके बाद जो है वो जब निकलते हैं बाहर जो है सभी लोग मिल करके माल्यार्पण के लिए, तो उस दिन पुलिस जो है उनको रोकती है, और जब पुलिस उनको रोकने में असफल रहती है तो बाद में जो है फिर वो उन पर आगे एक जगह रोक करके और लाठी चार्ज करती है, और लाठी जो है बहनों को भी पड़ी। इसमें एक जो है हमारी बहन प्रेग्नेंट भी थी और उनको जो है अस्पताल में भी एडमिट कराना पड़ गया, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और इस पर सरकार की बहुत किरकिरी हुई। तो फिर इसके बाद FIR भी कराई गई सब लोगों के ऊपर। तो क्या जो है इस असफलता के पीछे कारण कौन था? लोग यही सोचते हैं मान बहादुर या सुनील यादव, बल्कि घर में बैठे लोग ही ये जो है अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कौन था। जो धरने में गए थे वो तो जानते ही क्या हुआ और क्यों हुआ कैसे हुआ, और धरने की जो असफलता की मुख्य वजह थी वो सुनील और जो है मान बहादुर नहीं थे। धरने की असफलता के मुख्य वजह वो लोग थे जो घरों में बैठे थे। धरने में कितने लोग आए हैं ये आप देख रहे हैं वीडियो में, कितने लोगों को लाठी पड़ रही है, कितने लोग भाग रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं, लाठी कौन कौन खा रहा है ये भी आप देख रहे हैं, सुनील यादव को आप देख ही रहे हैं कि उन पे लाठी पड़ी, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि आओ मारो। ये हिम्मत तो उन दिनों की याद दिलाती है जो आज़ादी के दिन थे, जब ये लाठियाँ जो है हमारे क्रांतिकारियों पर पड़ती थी और वो कहते थे आओ मारो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए जो है धरने की असफलता के लिए सुनील या मान बहादुर जिम्मेदार थे? धरने के लिए केवल और केवल जिम्मेदार थे वे लोग जो घर से निकले ही नहीं। इन्हीं लोगों ने ही मान बहादुर हो या सुनील यादव हो या हमारे और भाई बहन जो भी लाठी से चोटिल हुए, जो भी जिनके साथ जो भी वहाँ बर्ताव हुआ, मान बहादुर जी थाने में पकड़ के ले जाए गए, उन्हें क्या कहा गया होगा, क्या किया गया होगा, ये तो वही जानते हैं। पर इन सब के पीछे जिम्मेदार वही लोग थे जो घरों में बैठे थे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि हम नहीं जा रहे तो क्या होगा, बाकी लोग तो जाएंगे ही ना, उस बार की तरह 15-20 हज़ार हो जाएंगे बहुत है। और ख़ासकर महिलाओं को देखिए, जो हमारी बहनें थीं, जो मुझे लगता है कम से कम 50 हज़ार से ऊपर संख्या है इनकी, और अगर नियुक्ति पत्र मिलना चालू हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले यही आगे लाइन में लगी होंगी, लड़ झगड़ करके सबसे आगे खड़ी होंगी, और इनके साथ घर के दो दो लोग भी होंगे, और लोग ऐसे नहीं आए होंगे, गाड़ियों से आए होंगे पहुँचाने उन्हें नियुक्ति पत्र लेने के लिए। लेकिन ये आप वीडियो में देखिए कि 11 बजे तक का जो सीन है उसमें देखिए कितनी बहनें आई थी, और जब लाठी चार्ज हो रही थी तब कितनी बहनें थीं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर इनके पीछे
50,000 60,000 में केवल 5,000 ही बहनें खड़ी होती ना, तो कभी लाठी नहीं पड़ती और नज़ारा ही दूसरा होता। शायद अब तक आप सबको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका होता, डेट भी घोषित हो गई होती। लेकिन कितने लोग थे वहाँ पर? और हमारे भाई जो 80% फेसबुक पर बैठ करके केवल कमेंट करते हैं और वो भी निगेटिव, वहाँ से बैठ करके वो धरने की गाइडलाइन बताते हैं कहाँ गलती हुआ और कहाँ जो है इसे अगर ऐसा नहीं होता, मान बहादुर ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा होता, सुनील जी को ऐसा करना चाहिए था। वो लखनऊ नहीं आ सकते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि जो मान बहादुर और सुनील जी और अन्य बहनें जो यहाँ लखनऊ में इतने दिन से आकर के रुकते हैं, उनका पैसा कौन देता है? वो तो आपसे पैसा भी नहीं मांगते हैं। इवन देन जो है सुनील जी ने अपने उस पर कमेंट भी किया फेसबुक पर कि कम से कम लोग यहाँ तो फेसबुक में सपोर्ट करें। ट्वीट से लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, उसके बारे में भी वो बोलते हैं, लेकिन 1.5 लाख के ग्रुप में महज मुश्किल से कितने लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब मोरल सपोर्ट भी नहीं कर सकते। लखनऊ जाना तो बहुत बड़ी दूर की, लखनऊ अगर 50,000 लोग भी आ गए होते तो क्या होता ये सब जानते हैं। और ये इस धरने का ही नतीजा है, इन्हीं के संघर्ष का नतीजा है कि आज बात यहाँ तक पहुँची है। कम से कम इसके पीछे 10-15 लाख जो बीएड के थे उनको तो कम से कम जो है आने वाले जो है परीक्षाओं में बैठने की अनुमति सरकार ने दे दी। उसका परिणाम यही धरने थे, यही संघर्ष थे, यही लाठियां थीं। और ये लाठियां कोई और नहीं खिला रहा, ये लाठियां वही खिला रहे हैं जो घर में बैठे हैं। अगर वो लोग होते तो लाठियां पड़ती ही नहीं, सरकार खुद आकर के बात सुनती और खुद आकर के उसका समाधान निकालती। कमेटी 45 दिन का समय नहीं लेती, 1 हफ्ते में भी डिसीजन हो जाता। और ये जो लाठियां चार्ज होता, लाठियां पड़ती हैं ना, उसके पीछे वही लोग हैं जो लोग घरों बैठे हैं। नहीं, एक बार 50-60-70,000 आके आप देखिए, आप 1 लाख से ज़्यादा हैं, 1.5 लाख हैं, एक बार 70-80,000 लोग आ जाइए और फिर देखिए। बैठकर वहां कहते हैं कि धरना क्यों बंद कर दिया गया, जबकि इसे अनरवा चलना था। जब जो है मान बहादुर को अंदर कर दिया गया और ये खबर मिली कि ये भी जो है सुनील यादव को भी जो है अच्छे से जो है तोड़ाई होगी, तो ये चलने फिरने लायक, धरने में बैठने लायक ही ना बचे, तो सुनील जी वहाँ से निकल गए। हालात यही थे, परिस्थिति यही थी और बिल्कुल सही डिसीजन उनका था, वरना वो आज जो प्रयास कर रहे हैं, बैठ के सचिव से मिल रहे हैं, उनसे जो है बात कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा होता। और जब वहाँ के हमें धरने देने की परमिशन ही ख़त्म हो गई, उसके बाद जो है तो वहाँ से चले जाना ही बेहतर था, जब कितने लोग ही थे वहाँ पर और कितने लोग बचे थे, कितने लोग लाठी खाने वक्त के वक्त जो है सामने आते हैं। आप अगर आए होते 50-60,000 लोग तो परमिशन की शायद ज़रूरत भी ना पड़ती, ना वो कैंसिल होता, सभी वहाँ से बैठे कहेंगे कि धरना उग्र होना चाहिए, उग्र होना चाहिए। लेकिन सुनील ने और मान बहादुर जी ने कभी भी उग्रता का पक्ष नहीं लिया। वो कर सकते हैं, वो जानते हैं, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे क्या करना है और कैसे हमको मिला। जिन लोगों ने इतना पैसा लिया चंदा चोरी की और बैठ के वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनका तो कुछ नहीं कर पाए लोग, और जो अब प्रयास कर रहे हैं वो भी बिना पैसे के, 1 पैसा भी नहीं लिया, मांगा ही नहीं उन्होंने। उनका खर्च कैसे लखनऊ में चल रहा है ये तो वही जाने, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं, घर वालों से कैसे ले रहे हैं, वही जाने। उसके लिए तो आप लोगों ने कभी कोई एक सलाह नहीं दिया कि एक जो है सुनील जी का पेटीएम अकाउंट पर जो है बना दिया जाए और उसमें सब लोग 100-100 रुपये ही डाल दीजिए, ताकि वो लखनऊ में संघर्ष करते हैं तो बिना खाए पिए तो करते नहीं हैं, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा। उल्टे से आरोप लगाना बैठ करके वहाँ और तरह तरह के कमेंट करना, यही धरना के असफलता के कारण थे और ये बने रहेंगे जब तक लोग घरों पे बैठेंगे। जब तक घरों के अंदर बैठेंगे और फेसबुक पर जो है कमेंट करते रहेंगे, तब तक ये रहेगा। क्या सबको नौकरी नहीं चाहिए? क्या ये लोग बता दें कि वो नियुक्ति पत्र लेने जो नहीं आएंगे? 1.5 लाख लोगों में वो बता दें कि नियुक्ति पत्र लेने जो नहीं आएंगे, और वो बहनें खासकर जो घर से बिल्कुल ही कम संख्या में निकलती हैं, और वो भी इन्हीं गिनी बहनें हैं, वही आती हैं। देखिए आप वीडियो में,
कुछ बहनें आई हैं बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर तक आई हैं, उनको दिक्कत हुई है। लेकिन इसकी धरना के असफलता के पीछे केवल और केवल एक मूल वजह थी घरों में बैठे लोग। उन्होंने ही लाठी चलवाई, पुलिस ने लाठी नहीं चलाई बल्कि लाठी उन्होंने ही चलवाई। वो आए होते तो स्थितियां दूसरी होती, यहां तक आने की नौबत ही नहीं होती, बहुत पहले सब कुछ हो गया होता। लेकिन वहां से बैठ करके फेसबुक पर कमेंट ही करना है उनको और कुछ नहीं, और दोष देना है कहीं सुनील यादव को, कहीं मान बहादुर को, कहीं दोनों को अलग करने के लिए, कहीं अलग गुट करने के लिए, अलग मांग करने के लिए। कोई कह रहा है हमें मानदेय में रख लीजिए, कोई कह रहा है हमें एग्ज़ाम करवा दीजिए हम उसमें भी संतुष्ट, कोई कह रहा है हमको वेटेज दे दीजिए, कोई कुछ कह रहा है। वहाँ बैठ के आप क्यों कहते हो? एक बार आप यहाँ आओ तो, आके तो बोलो, सभी तो यहाँ बात सुनने के लिए जो तैयार हैं। लेकिन आप लोग कोई सहयोग नहीं करना चाहते हैं, उसी की वजह है कि ये घटनाएं हो रही हैं। लाठी चार्ज हुआ और बहनें मारी गईं और वहां से धरना खत्म हुआ, वरना धरना तो चलता और नियुक्त पत्र के साथ ही खत्म होता। और अब की बार अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके भी जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। आप सभी से निवेदन है कि चीजों को समझें और रियलाइज करें कि गलती किसकी है, उनकी है कि आपकी है। मैं आगे की जानकारी आपको देता रहूंगा। नीचे जो बटन सब्सक्राइब का बना है, ये जो चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी जानकारी दूं, वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आप चाहें इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब तक शेयर कर दें ताकि लोग समझें तो कि एक तो हुआ क्या है और हो क्या रहा है, इसकी सही जानकारी तो लोगों को मिले। धन्यवाद।